सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहर। दोस्तों, आज के वीडियो का थंबनेल देख के बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे तथ्य है जो गोंड समुदाय आज भी फॉलो करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं वीडियो बिल्कुल तथ्यहीन नहीं लाता, हर वीडियो की कहीं ना कहीं जानकारी होती है। और आज के वीडियो की पूरी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन इतिहासकार हैं जो गोंडवाना के तय तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य डॉक्टर मोतीराम कंगाली, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ढोके और वेंकटेश्वर आत्राम सर, इनके किताब से, और बहुत ऐसे किताब है जो इस बात का दाखला देते हैं। दोस्तों, एक बात तो तय है कि रावण जो थे वो एक बुरे कैरेक्टर बिल्कुल नहीं थे, और वो अपने ज्ञान से अपनी प्रजा को सुख शांति देते थे। लेकिन एक ऐसा काव्य लिखा गया जिस काव्य में रावण को निगेटिव रोल में आपके सामने लाया गया। और बात भी यह हुई कि जब तक हमने कुछ पढ़ा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ा नहीं, हमने तो बहुत कुछ पढ़ा है। और मैं भी यहाँ पे आपके सामने ये कहता हूँ कि कुछ साल पहले मेरी भी विचारधारा यही थी कि रावण एक काल्पनिक है, उसको काल्पनिक रखा जाए, क्योंकि हमारे लोग, हमारे पुरखा, हमारे दादा बोलते थे कि रावण हमारा पेन है। तब मुझे गुस्सा आता था कि एक रामायण के काल्पनिक कैरेक्टर को उठा के यहाँ पे बता रहे और हम भी सुन रहे। लेकिन जब मैं इसको पढ़ने लगा, जब मैं इसको जानने लगा और लोगों के साथ भटकने लगा, तब मुझे ये पता चला कि लोगों के पाटों में जो पाटा गाया जाता है रावण गोंगों में, या कहीं राउड वंश वाले लोग अपना पाटा गाते हैं, तो वहाँ पर रावण का बहुत बड़ा उल्लेख आता है। तो ये क्यों हुआ, ये कैसे है, इसकी दिलचस्पी जागी और मैं इसमें डूब पड़ा, तो मैं आपके सामने हर वीडियो के द्वारा कुछ ना कुछ तथ्य आपके सामने ला रहा हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो को बिना टाइम गवाए शुरू करेंगे, क्योंकि ऐसे तथ्य हैं, ऐसे कुछ बातें हैं जो आपके सामने मैं रखूँगा और आपको भी पता चलेगा कि इस रावण पेन और रावण का गोंड समुदाय से बहुत ही बड़ा संबंध है। यानी कि मैं एक कह सकता हूँ कि ये पहले कैरेक्टर हुआ था, बाद में इसको काल्पनिक कथा में डाला गया अपनी तरीके से। जय सेवा दोस्तों, मैं राहुल कन्ना के लाइब्रेरी चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। चलो मैं दोस्तों इस बात की शुरुआत ही मैं आपको बता दूं कि गोंड लोगों में 5 सगा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 5 देव सगा होते हैं, जैसे 12 देव सगा तक मैंने आपको बताया। तो 5 देव सगा का नाम क्या है यह मैं आपको बता दूं। आहाराउड, महाराउड, रेकाराउड, मेकाराउड और दोंदलाराउड। 5 देवों के लोगों का, यानी मैं भी एक 5 देवे हूँ, तो हमारे लोगों का जो वंश है वो राउड वंश कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, राउड वंश कहा जाता है। और हमारे, मैंने सगाओं का नाम बताया आपको, आराउड, महाराउड, रेकाराउड, मेकाराउड और दोंदलाराउड। अभी इसको गोंगो भी अलग तरीके से लिखा जाता है। ये देव को लिखने में, यानी ये जो सगा है, इस सगाओं के नाम लिखने में कहीं अंतर हो सकता है, लेकिन राउड वंश कन्फर्म है। अभी राउड वंश मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि रावण, रावण, राव, राउड, यह शब्द का अर्थ एक ही होता है, जो होता है राजा। जी हाँ दोस्तों, पालन करता या राजा, इसका अर्थ निकलता है। अभी आपको दूसरा एक लॉजिक ये बताऊं कि गोंडी सगाओं में पेन वेन व्यवस्था है। कैसी पेन वेन व्यवस्था? पेन मरने के बाद, वेन मरने के पूर्व। आपने कभी सुना है रणवेन, सगावेन? दोस्तों, रावण नहीं तो रावेन, इस शब्द को वेन में लाया गया। इसका मतलब ये है कि ये भी कहीं ना कहीं गोंडी से या गोंडी जनसंस्कृति से जुड़ा हुआ नाम है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको और एक बता दूं कि नर्मदा नदी के खोरे में, आप सुनिएगा, नर्मदा नदी के खोरे में जब महाप्रलय हुआ, तब गोंडों के वंश वेल विस्तार का काम दो लोगों ने किया। आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर रावण इस कंसेप्ट को बाद में रखेंगे, साइड में रखेंगे और बात करेंगे, नर्मदा में जो प्रलय आया था, तब गोंड लोगों का वंश वेल विस्तार नर्मदा के खोरे में हुआ था, इसको साइंस प्रूव कर चुका है। तो नर्मदा नदी के खोरे में जो, जब ये विस्तार हुआ, तब इसके आदि पुरुष आदि रावण पेरियोर और सुकमा को माना जाता है। आदि पुरुष, जी हाँ दोस्तों, गोंड लोगों के पाटों में आदि पुरुष का नाम बहुत बार आता है। आदि रावण पेरियार और सुकमा को माना जाता है। ये रावण जो शब्द आया है, आदि रावण, ये शब्द इस रावण से संलग्न है या नहीं है, ये भी हम उसके बाद में देखेंगे। लेकिन ये उच्चारण आया कहाँ से, रावण ये उच्चारण आया कहाँ से, पहले हम ये देखेंगे। गोंड लोगों ने अपने 4 वंश बनाए, सुनिएगा, 4 वंश बनाए। उनमें से रावण भिड़ी नाम का एक वंश है, उस रावण भिड़ी वंश से ही यहाँ के आज के जो काल्पनिक दिखाए जाने वाले रावण भी आते हैं, और इसी वंश से संग्राम शाह भी आते हैं, और इसी वंश में वीरांगना रानी दुर्गावती का भी वंश दिखाई दे रहा है।
दोस्तों इस वंश को लेकर हम चलेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस वंश की क्या खासियत है और ये क्या करते थे। अभी नरुंगदाई पूजा चल रही है जिसको बाहर के लोग नवरात्रि बोलते हैं। नरुंगदाई पूजा में पूजा मोटे तौर पर की जाती है कली कंकाली कलियादाई की, और कलियादाई का पितृवंश अगर आप देखें तो वो भी रावेन भिड़ी वंश हमें दिखता है। ये क्या है? अभी रावेन भिड़ी वंश जो दिखता है वो मैं घर का नहीं बता रहा हूँ, तो एक बात कीजिए, बहुत सारे पाठे पड़े हैं, बहुत सारे लोग आज भी इसका गुणगान गाते हैं कि कलियादाई के जो पितृवंश है वो है रावेन भिड़ी वंश। ये रावेन भिड़ी वंश है क्या? इसके तह तक जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ पता तो चलेगा। तो ये चार वंश क्या है ये हम पहले जान लेते हैं। पहला रावेन भिड़ी, दूसरा शेष भिड़ी, तीसरा पुराट भिड़ी और चौथा नलेंज भिड़ी। दोस्तों आपको मैं भी ये भी बता दूं कि दक्षिण में रहने वाले समुदाय को रावेन भिड़ी वंश में डाल दिया गया और रावेन भिड़ी वंश में विभाजित किया गया, और वो लोग आज भी इस रावेन यानी राउड पेन यानी राउड वंश को फॉलो करते हमें दिखाई दे रहे। बहुत सारे लोग रावण को पूजते हैं, बहुत सारे लोगों के रावण गोंगो होता है, बहुत सारे न्यूज चैनलों ने भी इसकी दखल ली है। तो इसका एक अर्थ है कि ये कहाँ से आता है, रावण भिड़ी यानी क्या है, ये आपको चार वंश में मैंने दिखाया। जो रावण भिड़ी वंश है गोंड सगाव के चार वंश में विभाजित किया गया था, उसमें से रावण भिड़ी वंश जो है वो है ओरिजिनल हमारे जो काल्पनिक बताए जाने वाले रावण का वंश। राउड और रावण भिड़ी, इस दो बातों में क्या फर्क है? अभी लोग राउड वंश भी कहते हैं और रावेन भिड़ी ये क्या है, तो इसको अगर हम समझना चाहते तो कलियादाई के दादा याद राउड और पिता जुगाद राउड यह भी रावण भिड़ी वंश से आते हैं। और यही मैं आपको बता दूं कि रावेन भिड़ी वंश एक बहुत बड़ा स्थान प्रदान करता है इस गोंडी समुदाय में, क्योंकि जो सांस्कृतिक जो वारसा है, इतिहास है, उसको संभाले रखने और उसको उजागर करने वाला यही वंश हमें दिखता है जो रावेन भिड़ी वंश कहा जाता है। तो दोस्तों इस रावेन भिड़ी वंश के बारे में आगे भी हम जानेंगे कि इसमें ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने इस वंश में आविष्कार किए यानी नई कलाओं का आविष्कार किया और वो कला आगे जाके प्रचलित हुई। इसमें से दो कला मैं आपको बता दूं, एक है घुसाड़ी डांस। अगर आपने नहीं देखा है तो घुसाड़ी डांस को आप देख सकते हो। घुसाड़ी डांस जो सर पे बहुत बड़े मोर के पंख लगाए जाते हैं और वो नाचा जाता है, वो घुसाड़ी डांस। और दूसरा एक है दंडार प्रकार। जी हाँ दोस्तों, आपको दंडार प्रकार पता नहीं, MP छत्तीसगढ़ में उसको क्या बोलते मुझे भी पता नहीं है, लेकिन गांव-गांव में जब टेलीविज़न टीवी नहीं थी, मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, तब गांव के लोग एक जगह आते थे और ऐसे कुछ नाट्य कलाएं करके दिखाते थे, अभिनय करते थे, इंसान भी स्त्री का रूप धारण करके लोगों को एक स्टोरी बताई जाती थी और गाँव का उसके द्वारा मनोरंजन होता था। ये दंडार की संकल्पना भी रावेन भिड़ी वंश के लोगों के साथ ही आई है और उन्होंने इसका आविष्कार किया है। दोस्तों जानते हैं रावेन भिड़ी इस वंश को योगदान देने वाले लोगों का नाम। पहला याद राउड, दूसरा जुगाद राउड, तीसरा सीपी शर्मा राउड, चौथा धुंधरा राउड, उसके बाद पांचवा दामा राउड, छठवा आहा राउड, सातवा महा राउड, आठवा तेते राउड, नौवा झुंगा राउड, दसवा हीरा राउड। दोस्तों ये 10 नाम मैंने लिए हैं, ये कोई भगवान नहीं है, तो ये यहाँ पे रह के इस वंश में काम करके आविष्कार करने वाले लोग हैं। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने 5 सगाव के नाम बताए थे रावेन भिड़ी वंश के, यानी आज के राउड वंश के लोगों के, आहा राउड, महा राउड, रेका राउड, मेका राउड और दोनल्याल राउड। जी हाँ दोस्तों, इसका परस्पर संबंध माना जाता है। संग्राम शाह, आपको पता है संग्राम शाह एक गोंडवाना के बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने बहुत ही यहाँ पे क्रांति की है। उनके नाने पे, उन्होंने जो सिक्का चलाया उन नाने पे पुलस्य लिखा है, और पुलस्य जो वंश है या पुलस्य के जो पुत्र है वो रावेन रहे हैं। और रावण जो रामायण में कहा जाने वाले रावण, ये भी रावेन भिड़ी वंश के एक आदमी है। हो सकता है उनको रावेन भिड़ी वंश के होते हुए उनको रावेन भिड़ी वंश का एक नाम दिया गया हो दूसरे लोगों की तरफ से, उनका नाम कुछ अलग हो, लेकिन उनका वंश जो है वो रावेन भिड़ी वंश है। डॉक्टर मोतीरावन कंगाली तिरुमल वेंकटेश जयात्राम, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ढोके और ऐसे बहुत कुछ इतिहासकार है जो यहाँ पे दावा करते हैं कि जो रावेन की लंका बताई जाती है वो नर्मदा के कहीं इर्द गिर्द होनी चाहिए, क्योंकि
यहाँ पे जो रावण भीड़ी वंश का उल्लेख आया है वो उल्लेख सिर्फ यहाँ के गुण लोगों के पास ही आता है। दोस्तों अगर इस जानकारी को छानना है तो आपको बहुत तकलीफ लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि वेंकटेश आत्राम राजेंद्र बाबू ढोके जैसे किताबों को तो पढ़ना ही है, लेकिन आपको उन पाठों को भी सहेजना है जो गुण लोगों में प्रचलित है और हजारों सालों से गाए जाते हैं। बच्चा भी गाता है और बूढ़ा भी गाता है। ये पाटा उनके पास आज भी संग्रहित है जिन्होंने कभी कलम नहीं उठाई, जिन्होंने कभी किताब नहीं पढ़ा, और वो लोग आज भी अपने पाटों में रावण पेन को मानते हैं, रावण भीड़ी वंश का उल्लेख करते हैं। और हमारी जनरेशन सिर्फ ये मान रही है कि जो किताबों में होता है वही सच होता है। बिल्कुल नहीं, किताबों में होता है वही तो सच नहीं होता, उसको टटोलने की ज़रूरत है, उसको हर एंगल से देखने की ज़रूरत है। हो सकता है इस रावण भीड़ी वंश में आने वाले बहुत सारे लोगों को काल्पनिक तरीके से अपने कैरेक्टर को उठाया गया और एक नया काव्य रचा गया हो। ये भी हम मान सकते हैं कि किसी भी मूल्यवासी राजा को अपने तरीके से लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों मैं भी आपको ये बता दूं कि यहाँ के मूल्यवासियों को दबाया क्यों जाएगा। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि मूल्यवासियों को क्यों दबाया जाएगा, किस लोगों का फ़ायदा है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे अगर आपकी गुलामी, आप चाहते हो कि आपकी कोई गुलामी करे, आप चाहते हो कि आपके इर्द गिर्द कोई घूमे और आपको महत्व दे, यानी आपको भगवान करके पूजे, तो आपको यहाँ पे गुलाम बनाने पड़ेंगे। और गुलाम बनाने का काम यहाँ के मूल्यवासियों का, यानी गुलाम बनाने का काम यहाँ के बाकी लोगों ने मूल्यवासियों के साथ किया है, और आज भी हमारे मूल्यवासी लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं। तो इस चैनल का कर्तव्य यह है कि मूल्यवासी कंसेप्ट को आगे लाए और समझाया जाए कि गुलामी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरी बात, जो धर्म किसी इंसान में भेदभाव करता हो वो धर्म होने के लायक नहीं है, क्योंकि इंसान भेदभाव नहीं, क्योंकि यहाँ क्या आदिवासी हमेशा से इस दुनिया को समानतावाद सिखाता आया है और समानतावाद पढ़ाता आया है। दोस्तों जिस लोकशाही की हम बात करते हैं, जिस प्रजातंत्र की हम बात करते हैं, वो प्रजातंत्र हजारों सालों से आदिवासी कबीलों में हमें दिखाई देता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे जब गोंडवाना लैंड था तब यहाँ पे बहुत जनता खुशहाल थी, लेकिन आपके ऐसे कैरेक्टर को उठा के काल्पनिक बना के उसको ज़बरदस्ती से बदनाम किया जा रहा है, ये भी बात उतनी ही सही है। ये मैं अपने घर का या मन का नहीं बता रहा हूँ, इतिहासकार कह रहे हैं, इस बात को समझा रहे हैं, सिर्फ यहाँ के मूल्यवासी लोगों को समझ में आना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो के जो तथ्य मैंने आपके सामने रखे, ये तथ्य यही बताते हैं कि रावण जो है वो मूल्यवासियों का, यानी रावण भीड़ी वंश के साथ वो संलग्न थे। हालांकि इस रिसर्च पे और भी रिसर्च करना ज़रूरी है, जब तक सत्य का पता नहीं चलता तब तक संशोधन होना उतना ही ज़रूरी है, वो भी पारदर्शक तरीके से। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय देवसी, जय गोंडवाना, जय भीम।